मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत। तो सुबह हो चुका है और ये सुबह की चाय है। ये ब्लॉग एक्चुअली 4 मई को है, लेकिन मैं इसे रिकॉर्ड करना और आपको अपलोड करने में मुझे डिले हो गया था, तो इसलिए आज इसे कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो पसंद आया आपको। फ्रेंड्स, आज है 4 मई और जैसे कल हम आपको ले गए थे एक ट्रीटमेंट प्लांट में, वैसे ही आज भी मैं आपको ले जाऊंगा आयता का, जो कि 11.63 mL का और उसका इंटेक में भी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है और कहां तक काम पहुंचा और आज क्या हो रहा है, कितने आदमी हैं और उन सबसे आपको मिलवाएंगे भी। चलिए शुरू करते हैं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तो चलिए चलते हैं। चले, मैंने मास्क भी पहन लिया है और सनग्लासेस भी, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं आपको साइट पर, ठीक है? चले चलिए। आ रहे हैं आयता और फिर बाइक से, तो इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। ये करीबन 12 किलोमीटर दूर है और इसे जाने में 24 मिनट लगेगा। सबसे पहले हम इंटेक जाएंगे, इंटेक वेल, जो कि 10 मीटर दाया, इनर दाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जूम, यहाँ पर ये नदी है और इसी के सामने यहाँ पर ये वर्क हो रहा है। और ये आपको खरकाई नदी आपको मिलेगा जो बीच में है। और यहाँ से अगर हम इधर आएंगे तो यहीं पर हमारा ये WTP मिलेगा, करीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ WTP को भी मैंने जूम करके दिखाया है, जो आपको दिख रहा है ब्रिज के जस्ट नीचे। आपको ये येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है वो ब्रिज का दिख शो किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं इसको, करीबन हमें ये 24 मिनट लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आयता 11.63 mld का प्लान। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे वहीं। तो हम आ गए हैं कुजू ब्रिज, जिसे मैंने आपको रेड कलर का शो किया है। और इसी के नीचे आपका जो WTPA ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका रास्ता ये नीचे जो मैंने ब्लू कलर का एरो दिखाया था उससे है। और हमें पहले जाएंगे इंटेक वेल, जो मैंने ये कच्ची सड़क दिखाया है गांव के अंदर का, उससे। तो चलिए चलते हैं पहले इंटेक वेल। तो यहाँ पर आकर हमें मिलेगा 2 रास्ते, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो हमें सीधा जाना है, हमें कहीं भी मुड़ना नहीं है। देखिए इधर आपको एक ब्रिज मिलेगा, ये भी एक रास्ता है, मैं आपको आते समय दिखाऊंगा। और हम इस तरफ से आए थे, जो आपको अभी एक खंभा का जो इधर दिख रहा होगा, तो लेफ्ट साइड में मिट्टी का रोड है, हमें उसी में सीधा चलते जाना है। को एक छोटा सा कलवट मिलेगा और यहाँ पर लिखा होगा बड़ा मोदी 0 किलोमीटर। और यहाँ से आपको रोड स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें यहीं तक आपका आना था। और यहाँ से जस्ट यहाँ से एक मिट्टी का रोड आपको दिखेगा, हमें इसी में आगे बढ़ना है और आपका इंटेक वेल आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अपना इंटेक वेल, जो कि देखिए जस्ट ये पहाड़ है उसी के यहाँ पर है। ये देखिए जूम करके दिखाया, तो पहुंच गए हम इंटेक वेल। चलिए अंदर चलते हैं।
टेथरिंग किया हुआ बैम्बू है, इसी की मदद से हम ऊपर चढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, और उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए कुछ ब्रिज का, जो हम ब्रिज बना रहे हैं इंटेक वेल, जिसे हम गैंगवे भी बोलते हैं, उसका लॉन्ग बीम का आपका RCC वर्क हो रहा है, ढलाई कर रहे हैं। उसके लिए आपने देखा होगा सीमेंट का जो स्लरी है वो पहले डाल रहे हैं, कवर ब्लॉक भी आप देख सकते हैं, और ये आपका ये सभी मैनुअली ही मिक्सिंग हो रहा है JCB से, और मैनुअली ये लोग आपको लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर पहुंचा रहे हैं जो आपका RCC है कॉन्क्रीट। और यहाँ पर ये सभी ढलाई कर रहे हैं, देखिए बहुत हार्ड वर्क होते हैं ये लोग करते हैं, और सभी एक के बाद एक यहाँ पर कास्टिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर लॉन्ग बीम था जिसका आज RCC वर्क कर रहा है, दो लेयर में कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट और उसके बाद फिर सेकेंड। तो यहाँ पर जो हो चुका है वर्क मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्होंने इस ब्रिज को करने के लिए 1 मीटर छोड़ा हुआ है, और बाकी ये ब्रिज अभी अंडर प्रोग्रेस है जो वर्क हो रहा है। जो एक स्पान यानी 10 मीटर हो चुका है वो भी आप देख लीजिए, साथ साथ इंटेक वेल जिसका भी आपका फ्लोर स्लैब तक वर्क हो गया है वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ आपको मैं नदी का व्यू भी करा देता हूँ। ये आपका पंप के लिए 2 ओपनिंग है, और यहाँ पर ये मैन होल के लिए, और जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये वापस डिशटरिंग करेंगे तो उस समय के लिए है, ताकि प्लाई निकालने में आसानी हो। जब मैं ऊपर चल रहा था तब उस समय ये जो आप कील देख रहे हैं ये हल्का सा मेरे पैंट में लग गया था, और देखिए इस कारण ये हल्का सा ये हो गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो वापस हम आ गए हैं, और जो मैंने कहा था एक ही रास्ता भी दूसरा रास्ता जाता है, जो आपको गूगल भी दिखा रहा होगा, तो इस रास्ते से हम लोग चलते हैं। तो ये एक ब्रिज है जिसे होकर आपको ये सामने पहाड़ का व्यू भी दिखेगा, तो इससे होकर हम चलते हैं। तो हम आगे हैं कुजू, जी हाँ, ये कुजू एक जगह का नाम है, और इसी जगह में आपका ब्रिज है, इस कारण कुजू ब्रिज भी बोलते हैं उसे। तो ये एक छोटा सा मार्केट है, यानी कुछ दुकान है, कुछ होटल्स है यहाँ पर, छोटा सा आपका एरिया। तो ये सीधा रोड जाता है WTP यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो हम चलते हैं और ब्रिज के नीचे आपको मिलता हूँ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं 11.63 MLD के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ये यहाँ पर अभी क्या काम हो रहा है, फिल्टर हाउस में जो वॉल होता है उसका काम कर रहे हैं, इसका ये लोग शटरिंग वर्क कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट कर चुके हैं। और यहाँ इस तरफ देखो तो ये पंप हाउस है जिसका लिंटल तक ब्रिक वर्क हो गया है, और यहाँ क्लियर वाटर सम्प जो कि 2 लिफ्ट वॉल हो गया, और ये जो ब्रिज की बात कर रहा था जिसके नीचे है वो आपका ये ब्रिज है। ये आपका फ्लैश मिक्सर है जिसका PCC हो गया है, सामने कैरी फ्लॉक लेटर है जिसका भी PCC हो चुका है, और ये आपका फिल्टर हाउस प्लस केमिकल हाउस जो वर्क ये लोग कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग वॉल का शटरिंग कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट हो चुका है, और ये आपका केमिकल हाउस, और ये सामने आपका स्टाफ क्वार्टर है। तो चलते हैं अंदर,
यहाँ पर पानी का टैंकी रखा हुआ है जिसका यूज ये लोग पानी का यूज करने के लिए करते हैं। अंदर चलते हैं स्टाफ क्वार्टर में, तो दो स्टाफ के लिए यहाँ पर, तो एक तरफ हम चलते हैं दूसरा तरफ सेम ही है। तो ये सामने आपका वरांडा है, ये किचन, और ये सामने आपको ओपन एरिया जिससे होकर बाथरूम और साथ साथ वेस्ट कॉर्नर यानी बाथरूम और अटैच लैटरिन बाथरूम दोनों का सेपरेट है। और यहाँ पर रूम है जिसमें एक भैया का तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट कर रहे हैं, मुकेश भैया है ये, तो ये रेस्ट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे आपका बाहर की तरफ। तो ये पूरा प्लान था जिसको आपने विजिट किया, और इसका ये रिटेनिंग वॉल था, इसका रोड आपने देखा, ये सामने ब्रिज है जिसके नीचे से होकर ये रास्ता जाता है। तो हम आ गए हैं ऊपर, यहाँ पर सामने जहाँ से हम इंटेक गए थे ये रास्ता, और ये सीधा आपका इसी से होकर हम इंटेक गए थे आपको याद होगा, और ये सीधा हम वापस चलेंगे ऑफिस चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम ऑफिस आ गए हैं, और ये मैंने एक लस्सी का पैकेट खरीद लिया था क्योंकि अभी आपको हाइड्रेटेड गर्मी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी पीजिए और हाइड्रेटेड रहिए, खुश रखिए। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।